नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज मेरे जिस दोस्त ऐसे कल्पित भी हो जा को मैं यहाँ मंच पे तस्वीर बुलाने के लिए बुला रहा हूँ, प्लीज वेलकम कल्पित भी हो जा। एक गाना गाएंगे बपीदा की आवाज में फिल्म सुरक्षा से। विश्वली बेस कॉन्ग्रेचुलेशन कल्पित भाई, बहुत बहुत बधाई आपको। ब्रह्मणी आर्ट एस रवि कुमार नाइट की ओर से मैं अरविंद सिमाली और स्टूडियो स्प्रिट की ओर से उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये गाना सुरक्षा फिल्म से मिथुन जी का और बपीदा की आवाज लेकर आ रहे कल्पित सोजा। और साथ में मेरे अजीज दोस्त जिनका स्टूडियो है, हम बार बार कई शो कर चुके हैं, प्लीज वेलकम अनु भाई। पब्लिक भी आपको देखे, सब लाइव करे, सब देखे, थैंक यू वेरी मच अनु भाई। एक अनु भाई एक बहुत अच्छे डांसर है, मेरा अजीज दोस्त है, 40 साल पुराना दोस्त है, अच्छे ब्रेक डांसर थे, एक्स करोबे में सर्वेंट है। और उनका ये स्टूडियो है स्टूडियो स्पीड, यहाँ से मैं ये परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो कल्पेश भाई के लिए मैं दो लफ्ज बोलूंगा कि तमन्ना की दुनिया तो दोस्तों हर कोई बसाता है, कि तमन्ना की दुनिया तो दोस्तों हर कोई बसाता है, लेकिन वो ही पाता है जो तकदीर लेकर आता है। तकदीर के बिना बादशाह में जी दोस्त कल्पेश ओझा, फिल्म सुरक्षा से पपीदा की आवाज स्टूडियो स्पिर की ओर से। पापा मम्मी के लिए बेस्ट गिफ्ट सारेगामा कारवा। आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूं मैं। आपके सामने एक छोटा सा नगमा बपीदा का, मिथुन दा ने ये उनका सुरक्षा फिल्म का ये बेहतरीन नगमा आपके सामने। काफी लोग कहते हैं कि अनु जी जब से ब्रेक डांस शुरू हुआ था तब से कर रहे हैं, यानी कि उनकी 15 साल की उम्र थी तब से ये कर रहे हैं। और मैं उनके साथ में आज खड़ा हूँ और ये आपके सामने नगमा पेश कर रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी है उनके लिए कि आज इनके साथ मुझे खड़े रहने के लिए तक मिली है, और मैं बहुत 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 शुक्रिया दिया। मौसम है गाने का बजाने का, सुनने का सुनाने का, हंसने का हंसाने का, रातों को जगाने का, नैनों में समाने का। ये जीवन ये दुनिया सपना है दीवाने का, ये जीवन ये दुनिया सपना है दीवाने का। Thank you.
तूफान साई है, हर नगमा एक धुन है, हर धुन है एक दिल है, ये जीवन ये दुनिया सपना है दीवाने का, ये जीवन ये दुनिया सपना है दीवाने का। शुक्रिया, मेहरबानी, आदाब, धन्यवाद, दुआओं में याद रखना और आपके दिल में बात रखना।